नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। दिहाड़ी मजदूरों में हल्की कहासुनी के बाद एक मजदूर ने दूसरे मजदूर के सरेआम जेल कैंप रोड पर धारदार हथियार से हत्या कर दी। जिस जगह हत्या हुई वो जगह कोतवाली के नजदीक बताई जा रही है। घटना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सीएचसी भिजवाया है। हत्या के बाद आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। रोज की तरह नगर के मुख्य बाजार जेल कैंप रोड सुबह होते ही दिहाड़ी मजदूर इकट्ठा होते हैं और वहां से काम कराने वाले ठेकेदार मजदूरों को ले जाते हैं, लेकिन आज सुबह बीड़ी मांगने को लेकर दो मजदूरों की कहासुनी हो गई, जिसके बाद मजदूर ने धारदार हथियार लाकर मुख्य रोड पर सरेआम दूसरे मजदूर की पेट और गले पर वार कर हत्या कर दी। दोनों मजदूर शादीशुदा हैं। मृतक रंजन के 5 बच्चे हैं और हत्यारे हनीफ के भी 3 बच्चे बताए जा रहे हैं। हत्यारा इस्लाम नगर और मृतक मूल रूप से पीलीभीत उत्तर प्रदेश का है। यहां नगर में रहकर मजदूरी किया करता था। यहां मृत व्यक्ति को लाया गया था, जिसका नाम रंजन पुत्र मिश्री डाल है, जो यहां सितारगंज में गणेश मंदिर के पास रहता है। मूल निवासी पीलीभीत का है, जिसकी उम्र लगभग 50 साल है। इसको यहाँ पे हमारे पास पुलिस के द्वारा लाया गया था मृत अवस्था में, जिसकी गर्दन पे कटे का निशान है और शरीर में जगह जगह उसके कंट्यूजन और लेसरेशन वुंड पाए गए हैं, जिसको हमारे द्वारा अब सील पैक करके खटीमा पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। यूपी पुलिस भले ही चुस्त और दुरुस्त कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में चोरों ने पुलिस थाने के पास चोरी की वारदात करके पुलिस की गश्त पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। थाने से 200 मीटर की दूरी पर अज्ञात चोरों ने एक किराने की दुकान पर हाथ साफ किया है। शटर तोड़कर दुकान का सामान लेकर फरार हो गए हैं। दुकान के अंदर रखा कैश और कुछ सामान चोरी कर लिया। चोर की करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस थाने के पास ही चोरी की वारदात के बाद अब पुलिस सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है और चोर का पता लगाने की कोशिशों में जुटी हुई है। तो सीसीटीवी का ये फुटेज सामने आया है। इन तस्वीरों में दुकान के अंदर कैश काउंटर को खंगालते हुए और कोना कोना तलाशते हुए एक व्यक्ति नजर आ रहा है। दरअसल ये व्यक्ति दुकान के अंदर चोरी करने घुसा। मामला हरदोई के मझिला थाने का है, जहां पर चटिया चौराहे पर पुलिस थाने से लगभग 2 मीटर दूर पुलिस थाने के पास अमित सिंह के किराना की दुकान है। बीती रात इसी दुकान का शटर तोड़कर अज्ञात चोर ने दुकान के अंदर घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। काफी देर तक चोर दुकान के अंदर मौजूद रहा, लेकिन गश्त पर निकली पुलिस को भनक तक नहीं लग सकी। दुकानदार के मुताबिक दुकान में रखा 80,000 नगद के अलावा कुछ सामान लेकर चोर फरार हो गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। चोरी की वारदात हुई है, किस थाना क्षेत्र में हुई है और किस दुकान पे चोरी हुई है, क्या क्या चोरी हुआ? थाना मझिला के अंतर्गत 25/26 की रात में अमित सिंह की दुकान है चटिया तिराहे पे किराने की, उसमें चोरी हुई है और जो कि हमने वहाँ से सीसीटीवी फुटेज उठाया है तो उसमें दिख भी रहा है। आगे हम तहरीर के आधार पर आगे कार्रवाई कर रहे हैं। क्या क्या चोरी हुआ है? ये नहीं है, लेकिन तहरीर में उन्होंने 80,000 रुपये का दिया है। आगे हम लोग जांच कर रहे हैं कि सत्यता क्या है, उसी आधार पर कार्रवाई की। वही एक दुखद खबर सामने आई है, जहां पर बिजली के तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। पूरी घटना बायड़ के गबहाजी के मुआड़ा गांव की बताई जा रही है। आमोदरा के गबहाजी के मुआड़ा गांव की एक घटना है, जहां घटना से पूरे सूबे में मातम का माहौल देखा जा रहा है। गुजरात की तस्वीरें, जहां पर बिजली का करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई है। घटना बायड़ के गबहाजी के मुआड़ा गांव की है। इस पूरी घटना से पूरे इलाके में मातम का माहौल देखा जा रहा है। यूपी निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में। हम खड़े इस समय इंगित राया पंजूसराय में, जहां देखेंगे कैसा हो चेयरमैन हमारा, किसने कराया कितना विकास। हमारा जनता के कुछ लोग उनसे बात करते हैं कि किसने कितना विकास कराया, किस चेयरमैन ने कितना विकास कराया, क्या चेयरमैन चाहते हैं आप? चेयरमैन साहब ने जो भी विकास कराया वो तो सब पब्लिक के सामने ही है।
लेकिन हम अभी भी यही चाहते हैं कि अच्छा ही विकास हो और ज्यादा से ज्यादा हो और अच्छा ही चेयरमैन मिले हमें। मतलब क्या चेयरमैन चाहते हैं, मतलब कौन चाहते हैं, मतलब कैसा चेयरमैन चाहते हैं आप? सर इस बारे में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी जो भी हो वो अच्छा ही हो। अच्छा ही हो जी, बेहतर हो। तो इनका कराया कौन सा अस्पताल बनवाया? अस्पताल उन्होंने नहीं बनवाया, अस्पताल रामगोपाल सांसद जी ने बनवाया था, सांसद रामगोपाल ने बनवाया था। 35 साल से जीत रहा है जी। देखिए विधायक मोहम्मद अकरम, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए हमारे साथी जो कह रहे हैं विधायक जी ने कुछ नहीं करा, तो ये जनता जो शहर की जनता है 35 साल से बिना फालतू उन्हें जिता रही है। कुछ तो उन्होंने किया जो 35 साल से जनता उन्हें जिता रही है। अब उन्होंने बाकी जो चेयरमैन है ना, दो चेयरमैन इससे पहले बनाए उन्होंने अपने से, वो उन्हें छोड़ छोड़ के भाग गए। अब कर उन्होंने मन ये बनाया कि मुझे अपने घर का चेयरमैन जाएगा पूरे शहर को सही करके देगा आपके से। ये हमारे साथ कुछ लोग बात कर रहे थे, वार्ड नंबर 16 से बात कर रहे थे, न्यूज वाइन डेगरी प्रदीप मिश्रा संबल। हम खड़े इस समय इंकी त्राया पंजू सराय में, जहाँ देखेंगे कैसा हो चेयरमैन हमारा, किसने कराया कितना विकास। हमारे जनता के कुछ लोग उनसे बात करते हैं कि किसने कितना विकास कराया, किस चेयरमैन ने कितना विकास कराया, क्या चेयरमैन चाहते हैं आप? चेयरमैन साहब ने जो भी विकास कराया वो तो सब पब्लिक के सामने ही है, लेकिन हम अभी भी यही चाहते हैं कि अच्छा ही विकास हो और ज़्यादा से ज़्यादा हो और अच्छा ही चेयरमैन मिले हमें। मतलब क्या चेयरमैन चाहते हैं, मतलब कौन चाहते हैं, मतलब कैसा चेयरमैन चाहते हैं आप? सर इस बारे में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी जो भी हो वो अच्छा ही हो। अच्छा ही हो जी, बेहतर हो जी। और भी लोग आ रहे हैं, उन बात करते हैं उन लोगों से। आप क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद समीम अंसारी। कैसे चेयरमैन चाहते हैं आप शहर? वो जी हम ये चाहते हैं कि शहर का विकास होना चाहिए और शहर में जो चेयरमैन बने वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, काबिल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल हबीब। क्या चेयरमैन चाहते हैं आप, कैसा विकास? देखिए हम चेयरमैन चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेटेड हो, जो कम से कम मैनुफिस्टा मेमोरेंडा ये तमाम चीज़ों को पढ़ सके, समझ सके, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ सके, यहाँ की सारी जो निजी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉर्ट आउट करे। जैसे सोलर लाइट्स का मसला है, सड़कों का मसला है, पानी का मसला है, और ये निकासी का मसला है, जो रोडों में गंदगी का मसला है, ये तमाम चीज़ों को देखे। और वो जो चेयरमैन बने वो अपने आप अपने दम पर फैसले लेने वाला चेयरमैन बने, जो अपने आप काम कराए, किसी के दबाव में ना हो। ये हमारे साथ कुछ लोग बात कर रहे थे, वार्ड नंबर 16 से बात कर रहे थे, न्यूज वाइन डेगरी प्रदीप मिश्रा संबल। सहारनपुर में हाजी नवाब अंसारी ऑल इंडिया मोमिन अंसार सभा मंडल अध्यक्ष ने अपने साथियों के साथ समाजवादी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि सहारनपुर जिले में समाजवादी पार्टी ने अंसारी समाज को ना कोई पद और ना ही कोई टिकट दिया है। हमेशा अंसारी समाज की अनदेखी की गई है, जबकि अंसारी समाज पूरे जिले में लगभग 2,24,000 है। पूर्व विधायक संजय गर्ग ने हमारे समाज से अपने चुनाव में वादा किया था कि मैं अंसारी समाज से नगर अध्यक्ष बनवाऊंगा, और संजय गर्ग 10 साल से जिनका 1% वोट है उनको नगर अध्यक्ष बनाते चले आ रहे हैं। हमारे समाज को संजय गर्ग ने धोखा दिया है, इसका जवाब हम मेयर के चुनाव में दिखाएंगे। इसकी गलत नीति की वजह से समाजवादी पार्टी दिन पे दिन कमजोर होती जा रही है। यही वजह है कि हमने संजय गर्ग की गलत नीति के कारण पार्टी छोड़ दी है। जल्दी हमारा समाज फैसला लेगा कि हमें किस पार्टी में जाना है और किसको समर्थन देना है। जो पार्टी अंसारी समाज को मान सम्मान देगी उसी पार्टी को हमारा समाज समर्थन देगा। हमारे से वादा किया था कि मैं अंसारी समाज का नगर अध्यक्ष बनाऊंगा, तो आज तक उस बात को पूरा नहीं किया, और अभी भी हमारे समाज को न टिकट दिया, न कोई सम्मान जनक मार्ग पर कोई पद है, और जबकि पूरे जिले के अंदर 2,35,000 अंसारी समाज है, और मेयर के चुनाव में जो एरिया लगता है उसमें लगभग 1,20,000 के करीब है। पीलीभीत में अपने संसदीय क्षेत्र में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अमरिया क्षेत्र में जनसभा कर एक बार फिर से किसानों, संविदा कर्मियों, महिलाओं और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए चिंता जाहिर की है। यही नहीं, उन्होंने एक बार फिर तंज कसते हुए कहा कि भ्रष्टाचार देश को अंदर से खोखला कर रहा है। आलम यह है कि पोस्टमार्टम कराने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ रही है। वहीं उन्होंने अपने संबोधन में यह भी कहा है कि एक आम आदमी अपना घर बनाने, छोटी सी दुकान खोलने के लिए बैंक जाता है, तब तक लोन मिलता है, उसके प्राण सूख जाते हैं, उससे भी रिश्वत मांगी जाती है। वहीं उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि किसानों का उनकी फसल का समर्थन मूल्य क्यों नहीं मिला है।
एमएसपी की मांग जायज है, इस देश का किसान आगे जाकर संकट में आने वाला है। मुझे भी पीलीभीत में आते हुए 35 साल हो गए हैं, क्या कोई कह सकता है कि मैंने कभी 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार किया हो। पीलीभीत की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर वरुण गांधी पहुंचे, उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया है। आपको बता दें कि अपने संसदीय क्षेत्र वो पहुंचे थे एक दिवसीय दौरे पर, अमरिया क्षेत्र गए, वहां पर एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए किसानों, संविदा कर्मियों, महिलाओं और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने चिंता जाहिर की है। उन्होंने एक बार फिर तंज कसते हुए कहा कि भ्रष्टाचार लगातार देश को अंदर से खोखला कर रहा है। आलम अब यह है कि हर चीज के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है, चाहे वो पोस्टमार्टम ही क्यों ना हो। वही उन्होंने अपने संबोधन में ये भी कहा कि एक आम आदमी अपने घर बनाने के लिए, छोटी सी दुकान खोलने के लिए बैंक जाता है, वहां से लोन अप्लाई करता है, लेकिन जब तक लोन मिलता है उसके प्राण सूख जाते हैं, उससे भी लगातार रिश्वत की मांग की जाती है। उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि किसानों का उनकी फसल का समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, ये मांग जायज है। इस देश का किसान आगे जाकर संकट में आने वाला है। उनका ये भी कहना है कि वो भी पीलीभीत में आते हुए 35 साल बिता चुके हैं, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि उन्होंने 1 रुपए का कभी भी भ्रष्टाचार किया हो। बीजेपी की मेयर प्रत्याशी प्रमिला पांडे के बेटे अनुराग पांडे का विवादित ऑडियो वायरल हो गया है, जहां बीजेपी नेता मन शुक्ला को धमकाते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कानपुर से क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं अमन शुक्ला, और प्रमिला पांडे के टिकट फाइनल होने के बाद सोशल मीडिया पर अमन ने मेयर को बधाई दी। अनुराग ने अमन शुक्ला को बधाई संदेश बदलने के लिए फोन किया था। तो कानपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर बीजेपी के मेयर प्रत्याशी प्रमिला पांडे के बेटे अनुराग पांडे का विवादित ऑडियो वायरल हुआ है, जहां बीजेपी नेता अमन शुक्ला को धमकाते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कानपुर से क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं अमन शुक्ला, और प्रमिला पांडे के टिकट फाइनल होने के बाद सोशल मीडिया पर अमन ने मेयर को बधाई भी दी है। अनुराग ने अमन शुक्ला को बधाई संदेश बदलने के लिए फोन किया था, लेकिन धमकाने का कुछ मामला निकलकर सामने आ रहा है। और प्रमिला पांडे जो कि मेयर है, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। प्रमिला जी, ये जो पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, इस पूरे मामले पर एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, उसमें कितनी सच्चाई? प्रमिला जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो फोन काट दिया गया है। मेयर प्रत्याशी हैं प्रमिला पांडे और उनके बेटे अनुराग पांडे, उनका विवादित ऑडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जहां बीजेपी नेता अमन शुक्ला को धमकाते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कानपुर से क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं अमन शुक्ला, और प्रमिला पांडे की टिकट फाइनल हो गई है। सोशल मीडिया पर अमन शुक्ला ने उन्हें बधाई दी, लेकिन अनुराग पांडे ने अमन शुक्ला को बधाई संदेश बदलने के लिए फोन किया था, और फोन पर किसी बात को लेकर बहस हो गई है, और उसका ऑडियो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तो कानपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर कुछ पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल बीजेपी के मेयर प्रत्याशी प्रमिला पांडे के बेटे हैं अनुराग पांडे, उनका एक विवादित ऑडियो वायरल हो रहा है, जहां बीजेपी नेता अमन शुक्ला को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। अमन शुक्ला ने दरअसल पोस्ट किया था जिसको बदलने को लेकर उन्हें धमकाया गया था। अमिताभ वाजपेयी सपा विधायक है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, दरअसल प्रमिला पांडे बीजेपी के मेयर प्रत्याशी के रूप में चुनी गई है, लेकिन उनके बेटे का एक विवादित ऑडियो वायरल हो रहा है। अब चूंकि उनका मामला है, मुझे बहुत टिप्पणी करने का मन नहीं है, पर ये उनका स्वभाव लगातार रहा है। आदरणीय महापौर जी के दो पुत्र काम देखते हैं, एक उसमें से अत्याचारी है, एक उसमें से भ्रष्टाचारी है। तो एक लगातार गुंडई से टैक्स की वसूली करता है, लोगों से पैसा वसूलता है, तो एक धमका के जमीनों पर कब्जा करता है, ये उनका स्वभाव है। 5 साल में उनका करैक्टर रहा है। पांडे के बेटे अनुराग पांडे, उनका उनके जिक्र कर रहे हैं आप? जी, अनुराग पांडे जी ने कोई एक झगड़ा किया क्या शहर में? उनके अनेक झगड़े फेमस हैं। ये तो उन्होंने खाली अभी जवान से कहा है, तो ये तो कोई खास बात है ही नहीं। कई बार वो रिवाल्वर लेकर के लोगों घरों में घुस जाते हैं, कई बार लोगों को धमकाते, मारते, पीटते, फिर मुकदमा लिखा के पैसा वसूल के मुकदमा वापस देते हैं। तो ये तो उनका करेक्टर रहा है।
जो कई बार कर चुके हैं, इसीलिए मैंने कहा कि उनके एक पुत्र अत्याचारी है और एक पुत्र भ्रष्टाचारी है जो बंटी टैक्स वसूलने का काम करते थे कानपुर में, बंटी टैक्स चल रहा है। लेकिन अमिताभ जी, यहाँ पर बात ये निकल कर सामने आ रही है कि जो अमन शुक्ला है वो भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय पदाधिकारी है। मैं उनकी पार्टी के किसी कार्यकर्ता नेता का पद और कद नहीं जानता, लेकिन मैं इनका स्वभाव जानता हूँ जो शहर में चर्चित रहा है, जिसमें अहंकार और अत्याचार रहा है। अब उनके किस कार्यकर्ता से उनके क्या संबंध है, वो कार्यकर्ता उनमें क्या महत्व रखता है, इसके बारे में मुझे जानकारी उनकी पार्टी के बारे में कम है। लेकिन सवाल ये है कि अभी निकाय चुनाव होने हैं, उससे पहले इस तरह के ऑडियो वीडियो अगर आएंगे तो फिर तो छवि सीधे तौर पर खराब हो रही है। छवि कहा है उनके, तो उनके सांसद ने ही कहा कि हम भ्रष्टाचार का साथ नहीं देंगे। उनकी पार्टी के अंदर ही दो तरह की राय आ रही है, तो छवि का तो प्रश्न ही नहीं है। ये तो जो टिकट हुई है वो कमर्शियल ट्रांसफर हुई है किसी एक बड़े तो नेता ने अपना पूरा फायदा जो दूसरे प्रत्याशी खड़े हुए हो उनको पहुँचेगा। बिल्कुल सीधी बात है, समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट को इसका पूरा फायदा वैसे ही मिल रहा है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं जो यहाँ से उतारे गए हैं मेयर पद के लिए, अगर उनकी बात की जाए तो जनता के बीच में उनकी छवि जो है उसको, उस पर भी तो बात होगी ना। तो उनकी उनका वो तो मेरी पत्नी है, मैं विधायक हूँ दो बार से, हमारा जो काम है, हमारे परिवार की सेवाएं है, उसके बाद होगी निश्चित उनके कार्यशैली बात होगी। आप ही कह रहे हैं कि जनता आपके काम से खुश है। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरी पार्टी मुझे मौका ही नहीं देती। मेरी पार्टी ने इसीलिए मौका दिया, यहाँ जनता से आवाज जा रही थी कि उनको बदलाव करना है। हम नगर निगम प्रशासन की जो कार्यशैली रही है महापौर की, उनके बेटों की, उसे उब चुके हैं, इसलिए हमारी पार्टी ने निर्णय लिया कि चुनाव को हमारी पत्नी को लड़ने के लिए भेजा है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये पूरा मामला कानपुर से निकलकर सामने आया है, बात हो रही है कि अंदर खाने आपस में ही जो प्रत्याशी हैं और जो यहाँ पर नेता हैं वो आपस में ही उनके कुछ जो मनमुटाव है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी की मेयर प्रत्याशी बनाई गई है प्रमिला पांडे, उनके बेटे अनुराग पांडे पर आरोप लग रहे हैं कि वो डराते हैं, धमकाते हैं लोगों को, और अमन शुक्ला नाम के जो शख्स हैं, बताया जा रहा है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कानपुर से क्षेत्रीय पदाधिकारी भी हैं, उनको यहाँ पर डराया धमकाया गया है। प्रमिला पांडे की दरअसल टिकट फाइनल हो गई थी, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर अमन ने एक जो बधाई पोस्ट था वो शेयर कर दिया था, लेकिन अनुराग पांडे पर आरोप है कि उन्होंने उन्हें फोन किया, उन्हें डराया धमकाया है और बधाई संदेश बदलने के लिए ये फोन किया गया था। वही फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत के सामने इस चुनाव में अपनी सियासत और अपनी विरासत को लेकर दो बड़े सवाल सामने खड़े हो गए हैं, और ये सवाल उनकी बहू ने ही खड़े कर दिए हैं। सांसद मुकेश राजपूत के भतीजे राहुल राजपूत की पत्नी अनुपम राजपूत को बीजेपी ने संकिसा बसंतपुर से टिकट क्या दी, सांसद जी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। टिकट फाइनल होने के बाद घर में चल रहे शीत युद्ध ने सोशल मीडिया का तापमान बढ़ा दिया है। नामांकन के बाद विवाद खुलकर सामने आ गया। सांसद मुकेश राजपूत के बेटे अमित राजपूत की पत्नी शोना राजपूत ने फेसबुक पोस्ट से सांसद मुकेश राजपूत और उनके भतीजे राहुल राजपूत दोनों पर निशाना साध दिया। उन्होंने लिखा, हमेशा ऐसा नहीं होता कि भगवान से गलती नहीं होती, भगवान से भी गलती होती है। भगवान उसको औलाद क्यों देता है जो अपनी औलाद को अपना माने ही नहीं। पापा की मुस्कुराहट मेरे दिल में मरते दम तक घाव देगी। इस पोस्ट में उन्होंने एक फोटो शेयर किया है जिसमें सांसद अपने भतीजे भतीज बहू के नामांकन के बाद मुस्कुराते हुए खड़े हुए हैं। इस पोस्ट से सांसद के बेटे अमित की पत्नी शोना ने अपना दर्द बयां किया। उनकी इस पोस्ट पर मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कोई ने घर की बात में ही सुलझाने की सलाह दे रहा है तो कोई उनकी बात से इत्तेफाक ही नहीं रखता, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो उनसे हमदर्दी भी जता रहे हैं। संत कबीर नगर जिले में काफी उठापटक के बाद नगर निकाय के 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी का संशय बना हुआ था, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने खलीलाबाद अपने कार्यालय पर एक बैठक करते हुए 3 सीटों के प्रत्याशी की घोषणा की है, जिसमें खलीलाबाद नगर पालिका क्षेत्र से पवन छाबड़िया का टिकट काटकर जगत जायसवाल को दोबारा समर्थित प्रत्याशी बना दिया गया, जो कि तकनीकी कारणों से पार्टी का सिंबल का चुनाव निशान जगत को नहीं मिल पाया। वहीं सैर नगर पंचायत सीट से सुभावती चौहान का टिकट काटकर मनीषा पावन को उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन मेहदावाल सीट से पुराने कैंडिडेट को ही बरकरार रखा गया। वहीं जिला अध्यक्ष अब्दुल कलाम में
कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश है कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता इन सभी उम्मीदवारों के सपोर्ट में प्रचार प्रसार कर जिले की 8 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने की कोशिश करें। जगत जायसवाल चूंकि तकनीकी कारण से जगत जायसवाल निर्दल के रूप में तकनीकी कारण से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इनका नाम आया है। निर्दलीय उम्मीदवार के साथ साथ समाजवादी पार्टी का आदरणीय जगत जायसवाल को समर्थन देने का आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुआ है। मामला थाना सासनी क्षेत्र अंतर्गत महेंद्र नगर का है, जहां काफी लंबे समय से एक घर के अंदर अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। वहीं किसी तरह स्थानीय पुलिस को सूचना मिली तो तत्काल मौके पर थाना पुलिस और पुलिस के आला अधिकारी ने पहुंचकर भारी मात्रा में अवैध तमंचा बनाने की सामग्री और तमाम अवैध शस्त्र को पुलिस ने बरामद करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। वहीं एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑपरेशन निहत्ता के तहत एक अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त को अदद तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया है। उसे पूछताछ में जानकारी हुई है कि थाना सासनी गेट क्षेत्र अंतर्गत महेंद्र नगर निवासी नरेंद्र शर्मा, जो कि अपने घर में बिल्डिंग का कार्यकर्ता है, उसके द्वारा एक तमंचा उसे बेचा गया था। इस सूचना के आधार पर थाना सासनी गेट के पुलिस द्वारा उपरोक्त व्यक्ति के घर पर दबिश दी गई है, तो वहां से मौके पर अवैध शस्त्र बनाने की सामग्री, अवैध तमाम तमंचे मौके से बरामद कर लिए गए। एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजने की कार्रवाई भी की गई है। रवि पुत्र विनोद सिंह निवासी महेंद्र नगर थाना सासनी गेट को गुड़गांव में स्थानीय पुलिस द्वारा अवैध तमंचों के साथ गिरफ्तार किया गया तथा इस संबंध में उनके द्वारा थाना सासनी गेट पुलिस को अवगत कराया गया। इस संबंध में पुलिस द्वारा जब रवि से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि थाना सासनी गेट के अंतर्गत पलाल साहिबाबाद में रहने वाले नरेंद्र शर्मा, जो कि अपने घर में ही वेल्डिंग का कार्य करता है, के द्वारा उसको तमंचे दिए गए थे। के तहत गांव-गांव में करोड़ों की लागत से पानी की टंकी बनाई गई ताकि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल सके, लेकिन विभागीय उदासीनता की वजह से पानी की टंकियां सोपीश बनकर खड़ी है। वर्षों पहले बनी टंकियां कई गांव में हैं और कई जगह पर ऐसा भी है कि बिजली का कनेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई नहीं हो सकी है, जबकि मौसम विभाग का अनुमान है कि इस साल गर्मी सभी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। भीषण गर्मी का असर अब दिखने भी लगा है। अब इसी गर्मी को देखते हुए ऐसा लग रहा है पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट सकता है। गर्मी में क्या इंसान, क्या पशु पक्षी, सबको पानी की सबसे जरूरत पड़ती है। ऐसे में भीषण गर्मी को लेकर जिला प्रशासन पानी को लेकर कितना तैयार है, उसकी हकीकत जाननी हो तो ग्रामीण क्षेत्रों का एक बार मुआयना किया गया, जहां पर बड़ी बड़ी पानी की टंकियां तो बनी है लेकिन वो हाथी का सफेद दांत साबित हो रही है। वर्षों पहले करोड़ों की लागत से बनी पानी की टंकी और गांव में बिछाए गए पाइपलाइन के जाल और टूटी शोपीस बन गए हैं। लोगों को इनसे एक बूंद पानी नहीं मिल पा रहा है। सालों से लोग पानी के इंतजार में देखते रहते हैं कि कब इससे पानी की धारा बहेगी और लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलेगा। बस्ती जिले के 11 गांव पीपरा गौतम, पलहा, रेवा, गोवा, बेहली, बनकटवा, बानपुर, लालगंज, शरदही, गाना, चिवानिया और आम डूबा गांव में जो पानी की टंकियों को चेक किया गया तो चकार देने वाला मामला सामने आया। करोड़ों की लागत से सालों पहले बने पानी की बड़ी बड़ी टंकियां सोपीस बन गई हैं। गांव में पानी की सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछा दी गई लेकिन आज तक पाइप से एक बूंद पानी तक लोगों को नसीब नहीं हो पाया है। देखिए, ये वाटर ग्राम पेयजल योजना का पानी सप्लाई करीब 2 साल से बंद था। 5-6 महीना पहले हमने जिला अधिकारी से शिकायत किया, बहुत संघर्ष के बाद पानी सप्लाई चालू कराया गया, लेकिन ना के बराबर चालू करवाया। कोई लाभ बहुत है साहब, गोरु भर सब तरह तरह तबाह हो रहे हैं, पानी के इतना दिक्कत है, नल में पानी है नहीं है साहब। टूटी तो अभी मैंने देखा, लगा है पानी आता है कि नहीं, तो गोरु चिड़ई साहब व्याकुल है, पानी नाते मनाई लड़के बच्चे नाम है। बाहर तो आता है थोड़े थोड़े पानी, 2-4 दिन में डाल देते हैं तो आता है, लेकिन ये गाँव में नहीं जाता।
हम लोगों ने इस गर्मी में पेयजल की समस्या को देखते हुए इनका सभी अधिकारियों को टेक्निकल अधिकारियों से सर्वे कराया है। उसमें जो छोटी मोटी कमियां पाई गई है उसको जो ब्लॉक एसेस हो सकती हैं उनको ब्लॉक एसेस से जो जीवन मिशन की तरफ से होती है उनके तरफ से कराने का निर्देश किया गया है। और हम लोग को पूरा विश्वास है कि इसमें से जो परियोजनाएं कम खर्च की हैं और आसानी से हो सकती हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।